डेट एंड टाइम की टेस्ट फॉर्मूले में, टेस्ट क्वेश्चंस की अगली क्वेश्चंस में बात करते हैं कि हमारे पास एक डेट है, इसमें मुझे 3 साल 5 महीने और 25 दिन ऐड करना है। तो ज्योति जी, मैंने ये आपको डेट की फॉर्मूले के पहले ही एग्जांपल में समझाया था, बट आप नहीं समझ पाए। इसमें मेरा वो वीडियो ही खत्म हो गया, ऐड मैंने कहा था मेरा रिप्लेस हो गया। ठीक, मैं बात, इसमें मुझे ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, डेट का फॉर्मूला लेंगे, ईयर, इसमें से हम ईयर को पिक कर लिया प्लस 13, फिर मैंने यहाँ मंथ लिया, यहाँ मंथ को पिक किया प्लस 4, मतलब कि मैनुअल भी दे रहा हूँ बट आप लिंक भी कर सकते हैं, और डे, इसमें से डे को अलग किया और हमने क्या कर दिया 20। इतने दिन बाद ऐड होने के बाद आपके सामने रिजल्ट दिख रहा होगा। तो हम इस तरह से इसको तोड़ेंगे, पहले अलग अलग करेंगे, फिर उसमें जो भी इंटरवल्स हैं वो इंटरवल हम जोड़ते चले जाएंगे। सर, इसमें एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इस डेट में हमें 3 साल 4 महीने 25 दिन ऐड करने, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं फॉर्मूला, अगर विजिबल ना होगा तो। चलिए,